हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 17 सितंबर 2019 और आज की जो प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में, इसमें आपका स्वागत है। सबसे पहले हम देखते हैं आज की हमारी न्यूज़। पहली जो यहाँ पे न्यूज़ आई है वो आई है फ्लाइंग ए ड्रोन इन दिल्ली। देखो, कंटेक्स्ट ये था कि कुछ फॉरेनर्स थे जो कि दिल्ली में ड्रोन है उसको उड़ा रहे थे, तो उसी को लेके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह की न्यूज़ है वो आई है। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे देश में जो ड्रोन वगैरह उड़ाए जाते हैं उनके लिए रेगुलेशन वगैरह क्या है। देखो, आपको बता दूं, कुछ एरिया तो हमारे देश में ऐसे बनाए गए हैं या कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कि जहाँ पे आप ड्रोन वगैरह वो नहीं उड़ा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तो दिल्ली में लुटेंस दिल्ली हो गया, इसी के साथ ही मेन जो दिल्ली वाला एरिया हो गया सेक्रेटेरिएट वाला, इसी के साथ ही एयरपोर्ट के नियर बाई एरियाज हो गए या फिर बॉर्डर के आसपास एरिया हो गए, और जो इंपॉर्टेंट जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, उन एरियाज में बेसिकली ड्रोन है वो रेगुलेट, मतलब ड्रोन है उसकी परमिशन अलाउ नहीं होती है। अब बात यह आती कि जो ड्रोन उड़ाने होते हैं उनकी क्या हाइट्स वगैरह का पैमाना क्या रखा गया है, कौन उनके लिए लाइसेंस देता है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, पहली बात तो है कि ड्रोन को उनके वजन के आधार पे, वेट के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है नैनो कैटेगरी, दूसरी है माइक्रो और तीसरी है स्मॉल एंड अबव। नैनो कैटेगरी का मतलब ये होता है कि वो ड्रोन जिनका वेट है वो 250 ग्राम, यानी कि आप समझ गए हो ना कि 250 ग्राम से जिनका कम वजन है वो नैनो कैटेगरी में आते हैं, और जिनका वजन 250 ग्राम से 2 केजी के बीच में होता है उनको माइक्रो ड्रोन्स के नाम से जानते हैं। और स्मॉल एंड अबो का मतलब ये है कि वो ड्रोन जिनका के वजन है वो 2 केजी से ज़्यादा हो। बेसिकली ये जो ड्रोन है 2 केजी से ज़्यादा वाले, ये मिलिट्री पर्पज के लिए ज़्यादा यूज है वो होते हैं। अब बात ऐसी है कि जो नॉर्मली नैनो कैटेगरी वाले ड्रोन है ना, इनके लिए तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि इन पे इतने वेट तक कोई मतलब कैमरा वगैरह वो स्थापित नहीं होता, तो ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम है वो नहीं होती। बट बात यहाँ पे आती है माइक्रो या इससे ऊपर वाले में, उनके लिए क्या है, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो रखना होता है। जिस तरीके से गाड़ियों का नंबर होता है RTO द्वारा, उसी तरीके से आपको ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो लेना होता है। ये कहाँ से लेना होता है, ये नंबर लेना होता है आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, जो कि प्रोवाइड है वो करवाती हैं। जो आपको पता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो बेसिकली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, और ये फ्लाइट्स और जो अनमैन्ड व्हीकल्स वगैरह हैं इनको लेके गाइडलाइंस है, इनको रेगुलेट करने का काम है वो हमारे देश में करती है। अब बात ये आती है कि जो ड्रोन बड़े साइज़ के हैं उनके लिए आपको यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट, यानी कि आपको एक ड्राइविंग लाइसेंस लेना होगा कि भी आप इतने बड़े ड्रोन को वो उड़ा सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना कि UIN और UAOP, यानी कि यूनिक एयर ऑपरेटर परमिट है वो आपको लेना होता है लाइसेंस, इसके बाद ही आप उन ड्रोन्स को उड़ा सकते हो। और ये सारी इन्फॉर्मेशन और ये डाटा आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ आपको रजिस्टर करना होता है ड्रोन को, तो ये काम होता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है डिजिटल स्काई, उस पोर्टल पे जाके आपको अपना ड्रोन है वो रजिस्टर करना होता है, और वहाँ से लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद में आपको लाइसेंस है वो दिया जाता है। तो बेसिकली प्रोसीजर है, तो हमें पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे एरिया हैं, लगभग 12 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं हमारे देश में जहाँ पे नो ड्रोन है, मतलब वहाँ पे आप ड्रोन है वो नहीं उड़ा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे आया है पुलिकाली के बारे में। तो क्या है पुलिकाली, देखो पुलिकाली को बेसिकली एक टाइगर डांस के नाम से भी जानते हैं, और यह केरला की एक फोक आर्ट है। अभी यह परफॉर्म किया गया था ओणम के उत्सव पे, क्योंकि अभी केरला में ओणम त्यौहार है वह बड़े धूमधाम से मनाया गया था, तो उसी मौके पे वहाँ का जो फोक आर्ट डांस है इसको प्रस्तुत है वहाँ पे किया गया था। तो UPSC पूछ सकती है आर्ट एंड कल्चर में कि पुलिकाली के बारे में, तो हमें पता होना चाहिए कि यह टाइगर डांस है। इसमें जो ह्यूमन होते हैं वो मतलब टाइगर का मास्क लगा के, उसका टाइगर सा पेंट करके ट्रेडिशनल मेथड से डांस है वो करते हैं। तो ये केरला का है ये फोक आर्ट। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है जलदूत एग्जीबिशन के बारे में। तो क्या है जलदूत एग्जीबिशन, देखो ये एक ट्रेवलिंग एग्जीबिशन है, मतलब घूम घूम के प्रदर्शन है, इसके द्वारा एग्जीबिशन प्रदर्शन ही है वो की जाएगी। होगा क्या इसमें, इसमें होगा ये कि पानी के जिन एरियों में भारी कमी हो गई है, या फिर हम बात करें जहाँ पे वाटर स्ट्रेस ब्लॉक बन चुके हैं, वो एरिया जहाँ पे पानी की भारी कमी है, उन एरिया में कैंपेन के प्रोग्राम के थ्रू लोगों को अवेयर करवाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि भाई साहब आपकी सिटीजनशिप जो पार्टनर सिटीजन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत अहम होता है। क्योंकि देखो, जब तक जनता खुद पार्टिसिपेट नहीं करेगी ऐसे प्रोग्राम में अपनी इच्छा से, तब तक एक लिमिट के बाद गवर्नमेंट भी ज़्यादा हस्तक्षेप है वो नहीं कर सकती है।
तो मानसून सीजन में अगर जनता पानी को सही ढंग से प्रिजर्व करके रख ले तो फिर फ्यूचर में या गर्मियों में जो पानी की समस्या होती है उससे निपटा जा सकता है। तो इसीलिए प्रोग्राम है वो चलाया गया था 1 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में। तो अभी ये न्यूज़ में आया था वापस अभी कम्प्लीट हुआ, तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है। बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उसकी हेल्प से पुणे का जो रीजनल आउटरीच ब्यूरो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज है वो किया गया था। इसमें जगह जगह पे जाके गांव में लोगों को अवेयर करवाया गया था पानी के बारे में, उनका पार्टिसिपेशन किस लिए जरूरी है, कैसे वो स्टेप उठा सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। इसी के साथ ही बाकी जो वेरियस मिनिस्ट्री हैं उनका भी काफ़ी बड़ा कोलोब्रेशन है इसमें रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है हिम विजय एक्सरसाइज। हिम विजय एक्सरसाइज है वो इंडियन आर्मी फोर्स है, उसने प्लान किया कि भाई अभी जो लेटेस्ट अमेरिका से वेपन इंक्लूड किया गया है जैसे कि M777 जो कि एक चिनुक हेलीकॉप्टर में यूज की जा रही है, इसी के साथ ही हम बात करें और भी जो काफ़ी एडवांस इक्विपमेंट है इंडिया के पास, उन सब की कैपेबिलिटी है कि भाई वॉर गेम में कैसे वो काम करेंगे, उनकी क्षमता को चेक किया जाएगा चाइना के बॉर्डर पर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन आर्मी फोर्स के साथ इसमें इंडियन एयरफोर्स है वो भी शामिल होगी और जो डिफरेंट एरियल मेथड्स हैं उनको भी चेक किया जाएगा, इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं कितनी क्षमता है फ्लाइटिंग की उन सबको यहाँ पे चेक है वो किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है सेंट्रल एडवाइजर लिस्ट को लेके। तो क्या है यह एडवर्स लिस्ट को वो हम देखते हैं। देखो सेंट्रल जो एडवर्स लिस्ट है ना ये बेसिकली ब्लैक लिस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब है क्या इसमें, ये इस ब्लैक लिस्ट में उन लोगों की लिस्ट होती है ये कि जो हमारे देश के लिए थ्रेट है वो खतरा होते हैं या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कि देखो एग्जांपल बात करें जो ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था उस टाइम पे जो लोग खालिस्तान की मांगे कर रहे थे तो वो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम है, या फिर जो लोग नक्सलवाद को प्रमोट कर रहे हैं या फिर जो हमारे देश में कम्युनिज्म को बढ़ावा देते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे सामाजिक तत्व हैं, तो उनको बेसिकली इस चीज़ के थ्रू ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। होता क्या है कि वो लोग एक्चुअली वैसे तो देश छोड़ के चले जाते हैं बट फिर उनको फ्यूचर में किसी की तरह से वीज़ा वगैरह की कोशिश करते हैं तो उनको वीज़ा वगैरह नहीं दिया जाता। तो अभी कंटेक्स्ट ये आया था कि 312 सिख फॉरेनर नेशंस थे जिनको बेसिकली एंटी इंडिया एक्टिविटीज लिस्ट में डाला गया था इस सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में, बट अभी उनको हटा दिया गया है। ये ध्यान रखना कि ये जो लिस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉर्म अफेयर के द्वारा एक तरह से मेंटेन है वो की जाती है। इस लिस्ट में अभी तक लगभग 35,000 लोगों के नाम है वो रखे गए हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल खालिस्तान मूवमेंट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था उन्हीं को इसमें नाम डाला गया है, और भी जैसे हम बात करें कोई ऐसा पर्सन हो जो कि हमारे देश में क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलिप्त हो या फिर सेक्सुअल क्राइम वगैरह में शामिल पाया गया हो बच्चों के अगेंस्ट, तो उन सबको बेसिकली इस लिस्ट में है वो डाल दिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है वर्ल्ड ओजोन डे 2019। देखो हर साल 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे है वो मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि भाई इसकी शुरुआत कब से हुई थी, क्या इसका सीन है। देखो इस बार जो ओजोन डे मनाया गया है इसकी थीम रही है 32 ईयर एंड हेलिंग। ये थीम थोड़ी आप ध्यान है वो रखना। अब ओजोन लेयर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम ओजोन डे है वो मनाते हैं। देखो आपको पता है कि ओजोन लेयर है वो जो सन से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स आती है हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, इवन इंसानों के लिए नहीं जानवरों के लिए भी काफ़ी खतरनाक होती हैं, उसको हमें प्रोटेक्ट है वो करती है। कैसे, जो ओजोन लेयर होती है इस तरीके से आपको पता है ऊपर एटमोसफेयर में, तो वो क्या करती है जो ही सनलाइट के साथ जो यूवी रेज आती हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है। लगभग 97 से 99% जो यूवी रेज हैं जो कि खराब होती हैं खराब टाइप की, उन सारी रेज को वो हमारे एक तरीके से फिल्टर का काम करके हटा देती हैं जिससे हमें प्रॉपर अच्छा वातावरण है वो मिल सकता है और हमें किसी तरीके का नुकसान नहीं होता। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओजोन गैस को लेके, सॉरी जो ओजोन डे है इसको लेके आपको पता है एक मॉनिटर प्रोटोकॉल भी था, तो ओजोन लेयर को लेके क्या है वो मॉनिटर प्रोटोकॉल वो हम देखते हैं एक बार। देखो मॉनिटर प्रोटोकॉल है, इससे पहले आप ये ध्यान रखना एक वियना कन्वेंशन आई थी जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं थी। इसके बाद में आया था मॉनिटर प्रोटोकॉल जो कि लीगली बाइंडिंग था, ये आप ध्यान में रखना कि भैया बाइंडिंग था, ठीक है। बेसिकली मॉनिटर प्रोटोकॉल आया था 16 सितंबर 1987 में, इसीलिए 16 सितंबर को हर साल आपको पता है ओजोन डे मनाया जाता है, बट ये एक्टिव फॉर्म में आया था 1 जनवरी 1989 से, ये आप फैक्ट है वो ध्यान रखना इसका। और ये ध्यान रखना जिन कंट्रीज ने इसको साइन कर दिया उसके लिए लीगली बाइंडिंग था,
टारगेट क्या थे इसके। देखो मॉनिटर प्रोटोकॉल का मतलब ये था, इसलिए लाया गया था कि भाई जो भी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे गैस हो या फिर और भी ऐसे पोल्यूटेंट हो, जिसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है वो प्रभावित हो रही है, मतलब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है, उन पर्टिकुलर जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म किया जाए या उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया जाए ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सकें। अब देखो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि ओजोन लेयर को मतलब प्रभावित है वो करते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे अहम चीज़ होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, इसके साथ हेलोनॉस, इसी के साथ ही कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसी के साथ ही मिथाइल क्लोरोफॉर्म, और इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिथाइल जो क्लोरोफॉर्म है इसको भी इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। अब देखो मैक्सिमली जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं ये शीतलक में या कूलेंट में यूज है वो की जाती हैं, यानी कि जो फ्रीज होते हैं, एसी वगैरह होती हैं, इनमें इन गैसों का यूज है वो किया जाता है। तो इसीलिए इन गैसों को धीरे धीरे हटाने की बात है वो की गई थी, और काफ़ी कंट्रीज ने इसके लिए अच्छा स्टेप भी उठाया है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट है वो हमें देखने को मिला भी है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान रखना, लीगली बाइंडिंग था, ओजोन लेयर को लेके पहला नहीं था, ओजोन लेयर के लिए इससे पहले वियना कन्वेंशन आई थी जो कि बाइंडिंग तो नहीं थी, बट इसने भी कोशिश की थी, बट इसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा क्योंकि यह बाइंडिंग नहीं थी। इसके बाद में मॉनिटेल प्रोटोकॉल ने काफी अच्छा काम है वो किया था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो यहाँ पे है मैदान सिटमैक्स 2019। देखो मैदान सिटमैक्स 2019 है ये बेसिकली ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, किस किस की है, इंडियन, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड की नेवी, अब इंडियन नेवी का तो सीधा सा नाम है इंडियन नेवी, थाईलैंड की नेवी का नाम है रॉयल थाईलैंड नेवी, और सिंगापुर की नेवी का नाम है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी। तो इनके बीच में है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इस बार पोर्ट ब्लेयर में आयोजित है वो की जा रही है। ये आप ध्यान रखना पोर्ट ब्लेयर में इसको होस्ट किया जा रहा है। फायदा क्या होगा, तीनों कंट्रीज आपस में अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको मतलब एक तरीके से दिखाएंगी, कहाँ कहाँ कमी है, एक दूसरे से नए स्टेप्स वगैरह वो सीख सकती हैं, और इस वाले एरिया में मेरीटाइम सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन इनका रहेगा। तो ये ध्यान रखना कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में ये एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है PhD फेलोशिप प्रोग्राम को लेकर। देखो लास्ट ईयर जब भारत के प्रधानमंत्री थे वो बेसिकली आसियान इंडिया समिट की जो 25 एनिवर्सरी थी उस पे गए थे, तो उस मौके पे उन्होंने PhD फेलोशिप प्रोग्राम स्कॉलरशिप की बात है वो कही थी। है क्या इस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ये है कि भाई आसियान कंट्रीज के जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो कि इंडिया में स्टडी करते हैं, इंडिया की IITs में, लगभग इंडिया की जो मेन 23 IITs हैं जहाँ पे आसियान कंट्रीज के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, उनको फुली फंडेड PhD फेलोशिप प्रोग्राम के तहत एक तरीके से उनको स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। इसमें 1000 बच्चों का सिलेक्शन है वो किया जाएगा, और जो नोडल एजेंसी है या नोडल जो यहाँ पे हम बात करें एजेंसी के तौर पे काम करने वाली है वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली है वो इसमें कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी रहेगी, वही बच्चों को सिलेक्ट है वो करने वाली है। देखो पहले साल इस साल है 250 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा PhD फेलोशिप प्रोग्राम के लिए, जिसमें प्रॉपर जो सारी की सारी फंडिंग है उनका रहना सहना खाना A to Z सारी की सारी फंडिंग इसमें काउंट है वो की गई है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बजट में 300 करोड़ रुपए हैं वो भी एलोकेट है उनके लिए किए हैं। इस साल 250 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर है वो 300 स्टूडेंट, और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर है वो 450 बच्चों को सिलेक्ट करके टोटल 1000 बच्चों को ये फेलोशिप प्रोग्राम में इन्वाइट है इंक्लूड है वो किया जाएगा। ये जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट किया गया है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा भी इसकी स्टार्टिंग है लॉन्च है वो किया गया है। ये ध्यान रखना इसमें फुली फंडेड PhD फेलोशिप प्रोग्राम है IIT के अंदर जो भी आसियान के स्टूडेंट्स हैं उनको उनको सिलेक्ट किया जाएगा 1000 बच्चों को, और फिर उनको फेलोशिप है वो दी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट न्यूज़, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।